आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक और बात तय होती है। अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। आपने भी देखा है, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वहां डॉक्टर पहले मान लीजिए उसको लगता है गंभीर बीमारी है, सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर के अर्जेंसी है तो भी कहेंगे नहीं अभी 15 दिन नहीं, पहले आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशन हो गए तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी जरूरी होती है। और वो मरीज को भी उसी प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार की मदद करता है, उसी प्रकार के तैयारी करवाता है, फिर जैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने योग्य हो जाए फिर वो गंभीर बीमारी को हैंडल करने की दिशा में जाता है, सर्जरी करेगा, बाकी कोई आवश्यकता, तब तक वो गंभीर बीमारी को हाथ नहीं लगाता है। ये सुनिश्चित कर लेता है कि मरीज का शरीर सर्जरी के लिए तैयार है। कोई भी शरीर तब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जाता जब तक हर अंग ठीक से काम ना करता। आप पैरामीटर देखा, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, डिगना ठीक है, फला ठीक है, लेकिन शरीर का एक अंग काम नहीं करता है तो उसको स्वस्थ मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में भी हर पैरामीटर में देश एकदम से मानो डेवलप कंट्री जैसा लगता हो, लेकिन उसके अगर 2-4-10 जिले, 2-4 ब्लॉक पीछे लगे तो क्या लगेगा। और इसलिए जैसे एक मरीज को डॉक्टर जिस प्रकार से पूरे शरीर को एड्रेस करके काम करता है, जैसे हम भी अपने शरीर की स्वस्थता का मतलब हर अंग का स्वस्थ होना मानते हैं, परिवार में भी अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की पूरी शक्ति, परिवार का पूरा ध्यान, परिवार के सारे कार्यक्रम उसी के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, बाकी सारे कार्यक्रमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बीमार है, बाहर जाना है तो रोकना पड़ता है। परिवार भी पूरा स्वस्थ होगा तब जाकर के परिवार अपने जीवन की विकास कर सकता है। वैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो, अपना गांव हो, अपना तहसील हो, सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाएं, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समिट के अंदर जो लोग आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या इरादा है। यहां पर भारत सरकार की टॉप टीम भी बैठी हुई है, सारे सचिव यहां बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारण काम करते हैं वो सब है। अब मेरे सामने दो विषय हैं, क्या मैं इनके पीछे शक्ति लगा करके ऊपर जो टॉप है उसी को ठीक ठाक करूं, कि मैं धरातल पर मजबूती के लिए काम करूं। मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं।